बच्चों, आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज प्रथम भाषा आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पोंगल। बच्चों, अब आप आपकी रीडर निकालिए, गुलमोहर 4 पेज नंबर 45 निकालिए। अब हम पाठ 6 पोंगल पढ़ेंगे। त्योहार कितने तरह के होते हैं उदाहरण सहित बताइए। त्योहार 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार और मौसमी त्योहार। बच्चों, राष्ट्रीय त्योहार किसे कहते हैं आपको पता है? राष्ट्र 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। धार्मिक त्यौहार किसे कहते हैं? धार्मिक त्यौहार मतलब धर्म से संबंधित। हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सब के रिलेटेड बहुत सारे त्यौहार या फेस्टिवल्स है। जैसे हिंदू लोग दशहरा, दीपावली मनाते हैं, वैसे मुस्लिम लोग ईद, बकरीद मनाते हैं और क्रिश्चियंस लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो ये सभी क्या है? धर्म से संबंधित त्योहार है, इसीलिए ये धार्मिक त्योहार कहलाते हैं। और तीसरा मौसमी त्योहार। मौसमी त्योहार क्या होता है कि जब किसान के पास फसल तैयार होकर आती है तब वे किसान लोग त्योहार मनाते हैं, इसको मौसमी त्योहार कहते हैं। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति होने के साथ साथ एक जीवंत संस्कृति है। इसमें रंग भरने का काम त्यौहार करते हैं। यहाँ हर महीने कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार जीवन की नीरसता दूर कर जीवन में रस घोलते हैं, जिससे हर्ष और उल्लास का वातावरण बनता है। धान की फसल कटने की खुशी में तमिलनाडु में मनाया जाने वाला पोंगल एक ऐसा ही त्यौहार है। हमारा देश बहुत ही संस्कृतिपूर्ण देश है। हमारे देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ के लोगों की संस्कृति अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर भिन्न भिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार हमारे जीवन में रंग भरते हैं, खुशियाँ भरते हैं। धान किसान जब धान की फसल काटता है तब तमिलनाडु में पोंगल नाम का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में संक्रांति मनाते हैं, वैसे ही तमिलनाडु में फसल के त्यौहार को पोंगल कहते हैं। बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखो एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको। इस चित्र में 2 औरतें हैं, वहाँ पर घर के पास एक रंगोली बनाया हुआ है, यहाँ पर दिया है, कुछ फल रखे हुए हैं और एक औरत आग लगाकर बर्तन में कुछ बना रही है। इसको खिचड़ी कहते हैं, पोंगल कहते हैं। जब हम पाठ को पढ़ते हैं, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। इस देश में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन कोई पर्व त्यौहार न मनाया जाता हो। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जो तई नामक तमिल महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है। तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। यह दिन जनवरी के मध्य में आता है। पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तर दिशा में गमन। बच्चों, हमारे देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं और हमारा देश में विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं, तो हमारे देश में कुछ न कुछ हर दिन, हर मास कुछ न कुछ त्यौहार और पर्व मनाते हैं। तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये त्यौहार किसान फसल के आने की खुशी में मनाते हैं।
यह त्यौहार जनवरी के महीने में आता है, जब सूर्य उत्तर दिशा में भ्रमण गमन का अर्थ है भ्रमण करता है। बच्चों अब आप इस पैराग्राफ को पढ़िए।